हटे कटे भैया, मैं भगवान की आरती उतारने से पहले आपकी आरती इसलिए उतारती हूँ ताकि आपकी मोटी सी बुद्धि में इतनी सी बात आ जाए। ये आपकी बहन ब्याह के इंतजार में धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जा रही है, और मेरे बाल सफेद हो जाए, मेरी कमर झुके तीर कमान बन जाए और मेरा ब्याह करा दे। हाय फप्पे कुटनिए, तू जीते जी मेरे पुत्र की आरती उतारी है, तेरी मत मारी गई है। मती तो इसकी मारी गई है, बोल इससे मेरा ब्याह करा दे। ये मर जानिए, करा देगा। तू देखना एक दिन मेरा राजा पुत्र बहुत बड़ा आदमी बनेगा, फिर तू देखना बड़ा क्या धूमधाम नाल तेरा ब्याह कराता है। ओ माँ, तू और भैया सबने देखना बंद कर, मैं बिना किसी धूमधाम के चुपचाप पोस्टमैन के साथ भाग जाऊंगी। शर्म कर। ले आ गया। चुप कर। महाराज राजा MA LLB MMB इतनी सारी डिग्रियां, माँ जी आपके बेटे ने इतनी सारी डिग्रियां पाई हैं? नहीं तो क्या मोहल्ले वालों ने पाई हैं? और मेरे पुत्र ने एवे ही अपने नाम के आगे लिख दिए। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या था? आपके बेटे की इतनी सारी डिग्रियां देखकर मुझे मेरा नालायक बेटा याद आ गया, वो कमबख्त 8वीं में 8 बार फेल हो चुका है। चाचा। उसका नाम भी राजा है। ओए, तो क्या हर राजा नाम वाले का पागे मेरे पुत्र के पागे जैसा होगा? अरे मेरे पुत्र के पागे में तो राजयोग लिखा है। वैसे तेरा पुत्र करता क्या? जी वो बैंक में चपरासी है। हाय रब्बा, बड़ा दुख हुआ सुन। ये लो चिट्ठी। क्यों दुख हुआ? इनका बेटा तो 8वीं में फेल होकर भी चपरासी है, और मेरा भाई जिसके पास 8-8 डिग्रियां है, मैनेजर की नौकरी कर सकने वाला, जानती हो इस वक्त क्या कर रहा होगा? ओए क्या कर रहा होगा? ओ मेरे चंदा मामा, मेरे गुरुदेव, मेरे नैया के खवैया, दीमक लग गई है बे। अबे कब शादी होगी अपनी बहन की? कब हाथ पी लोगे मुझे बता दो, एक बार तो बता दो, क्या करूं मैं? भांजे श्री हृदय को छोटा मत करो, मक्खी मच्छर चूहे बंदर तो रोज पैदा होते हैं, लेकिन जंगल का राजा कभी कभी पैदा होता है, और चंदा मामा के ग्रहों के अनुसार तू एक राजा है और पैदा भी हो चुका है। ओहो पैदा तो हो गया, लेकिन पैसे कब पैदा होंगे? पैसा पैदा होने में अभी समय है। और तब तक क्या काम करूंगा मैं? काम करेगा, पागल हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, राजा होके काम करेगा? राजा कभी काम नहीं करता, राजा काम करेगा तो फिर प्रजा और राजा में अंतर क्या रह जाएगा? 1 साल के बाद तेरी कुंडली में राजयोग है, फिर तेरी बहन की शादी धूमधाम से होगी, संगीत और पटाखों का इतना शोर होगा कि लोगों को लगेगा कि अमेरिका का युद्ध फिर से शुरू हो गया है। गुरुदेव वैसे आज का दिन कैसा रहेगा? आज की घड़ी में घड़ी देखकर काम करना, किसी के फटे में टांग मत अड़ाना, वरना राहु केतु क्रोधित हो जाएंगे और तू समस्या में पड़ जाएगा। ओ नहीं, बिल्कुल सही कहा गुरुदेव। गुरु दक्षिणा दो। किसी मत किया करो मामा, बार बार ये गीली गीली किस्सियां देते रहते हो। ये किसी नहीं गुरु दक्षिणा। नहीं, नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा। जीवन के सफर में सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। सब लोग मारते ही रहते, मुझे पता नहीं क्यों मारते रहते। मेरा पर्स, मेरा पर्स लेके भागो, चोर चोर चोर। तेरी बहन लगती है जिसका तूने बटवा चुरा। किसी के फटे में टांग मत अड़ाना, वरना राहु केतु क्रोधित हो जाएंगे और तू समस्या में पड़ जाएगा। हंस के बेटे तू गुरुदेव की आज्ञा भूल गया बे, भाग यहां से बे। अंचोर की दर्रे। चोर चोर मैं नहीं बताऊंगा, चोर मैंने छुपा के रखा है। तू नहीं बताएगा, छुपा के रखेगा तो तू फंसेगा। इसीलिए तो नहीं बताऊंगा, मेरे गुरुदेव ने बोला है किसी के बड्डे में टांग मत अड़ाइयो। तू मत अड़ाना, मैं अड़ाता है। कैसे? चल सालिया। अबे क्या बच्चे की जान लेगा, सरकार ने वृद्धि क्या दे रखी है तो नाजायज फायदा उठाएगा, किया क्या है मैंने? चोर का पता तू मेरे को बता दे, मैं तेरे को छोड़ देता है। मैं कैसे चोर का पता बता दूं? मैं प्रॉब्लम में नहीं फंस जाऊंगा। ओए हवलदार जी, मेरे पुत्र को किसने बंद किया है? ले बेटे माँ गई, माँ। राजा, की होया? ओए क्या जुर्म किया है तूने? ओ माँ, बिना जुर्म के अंदर कर दिया इसने तेरे लौंडे को। हाँ पिटे मुंह तेरा, सत्यानाश हो, बेड़ा गर्क हो तेरा। अरे तेरी वर्दी में आग लगे, बाप फटे तेरे पुलिस स्टेशन पर। ओए तूने मेरे पुत्र को बिना कसूर के अंदर कर दिया। अंधेरे में डेरे चोर को छुपाया, और मैं बोला किधर छुपाया बता।
ओए पुत्र, क्या ये सच बोल रहा है? ओ मेरी पोली माँ, आज ग्रहों की स्थिति बड़ी उल्टी चल रही है। मेरे गुरु श्री चंदा मामा ने कहा है, किसी के फड्डे में टांग मत अड़ाइयो वरना फंस जाएगा। वो चोर का पता बताना यानी किसी के फड्डे में टांग अड़ाना है। श्री लो बेटे, मामा आ गया मामा। त्याग दे, चिंता को त्याग दे, क्योंकि चंदा मामा तेरी समस्या का समाधान करने के लिए कारागार में प्रवेश कर चुका है। हाय बाबा। हाय हाय। बंधन। अरे श्रीमान, हमें नहीं पहचानते। इन्हें नहीं पहचानता। दाया हाथ दिखाइए श्रीमान। दाया हाथ आजकल दाईं तरफ होता है। अच्छा, पत्नी मारती है दिन में एक बार। मैंने सुन लिया। श्रीमान श्रीमान, आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि आप तो पुलिस कमिश्नर बनने वाले हैं। कमिश्नर? हाँ, लेकिन कमिश्नर बनने में एक अड़चन है। क्या? अड़चन का समाधान भी है। वो ये कि आपको शनिवार को हनुमान जी को भोग लगाना होगा और रविवार को किसी भी मुजरिम को अंदर बंद नहीं करना होगा। एक्सक्यूज मी, आज रविवार है। श्रीमान छोड़ दीजिए। मैं छोड़ दिया तो कमिश्नर बनूंगा ना? अवश्य अवश्य। अंदर ना दे। ये रे बाबू, भांजे। ओहो, सुनो तुम बाबा, ये किसी से मत किया करो बार बार। नमस्कार, दूरदर्शन की सभा में आपका स्वागत है। आप देख चुके हैं कि शालू को देखने के लिए लड़का अपने माता पिता के साथ आ चुका है। अब देखना यह है कि बद्री प्रसाद को लड़का पसंद आएगा या नहीं। धन्यवाद। सुनो जी, ये कौन है, खड़े खड़े दूरदर्शन दिखा रहे हैं? अरे बद्री प्रसाद का साला प्रताप है, पहले दूरदर्शन में काम करता था, आजकल बेकार है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। बद्री प्रसाद जी कहाँ हैं? वो अभी आते ही होंगे। क्या बात है, आप लोग मुझे ऐसी हैरान नजरों से क्या देख रहे हैं? आप इतने बड़े सेठ और इतने साधारण कपड़ों में। तन ढांकने के लिए जितने कपड़ों की जरूरत होती है उससे ज्यादा पहना हुआ हूँ। भाई हम तो मिट्टी के पैदावार हैं, जमीन खोद के हल चलाते थे, फिर टोकरी लेके पानी में उतर गए मछलियां पकड़ने के लिए। धंधा रास आ गया तो नाव ले ली, फिर कश्तियां ले ली, फिर ट्रॉलर ले लिए। आज ऊपर वाले की कृपा से 12 ट्रॉलर है, मछलियां पकड़ता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। खैर, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आप लोग अपने बारे में बताइए, ये लड़का क्या करता है? लड़का बहुत स्वयं है, सब कुछ जान लिया है। क्या? 200 एकड़ जमीन है। अच्छा, खुद हल चलाता है? नहीं नहीं, 20 ट्रैक्टर रखे ना उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर चलाता है? नहीं नहीं, उसके लिए 21 ड्राइवर रखे अगर कोई बीमार पड़ जाए तो, और 500 भैंसे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खुद दूध निकालता है? नहीं नहीं, ये तो दूध पीता है ना, दूध निकालने के लिए तो नौकर रखे हैं उन्होंने। और अगर नौकर नौकरी छोड़ के चले गए तो दूसरे मंगा लेंगे ना, इनके पास तो कितने सारे पैसे, ये तो बैठ के खा सकता है। बेटे, पैसे के पैर में पहिए लगे होते हैं, कभी भी खसक जाती है ऐसे लोगों की आदत बिगाड़ कर। अगर दौलत चली जाएगी तो ये अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा? मुझे ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो दादा परदादा की दौलत पर ऐश करना जानता हो। मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो अपनी मेहनत से दो वक्त की रोटी कमाना जानता हो। ऐसा दामाद चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए। और क्या बदतमीज लोग ना सुनने के बाद भी बैठे हुए, निकालेंगे ऐसे? हाँ हाँ, जाते हैं। खुद को तो कपड़े पहनने की तमीज नहीं, मेरे बेटे को चले तमीज सिखाने। आपके बेटे को अगर बाजार में नंगा करके छोड़ दिया जाए तो ये सारी जिंदगी में अपनी मेहनत से एक चड्डी नहीं खरीद सकता अपने लिए। चले जाइए यहाँ से, चले। चलो चलो, जा रहे हैं। चलो चलो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। आइंदा अगर कभी ऐसे लोग लेकर आए ना तो इनके साथ तू भी जाएगा इस घर से, याद रखना। मैं नहीं गए ना, चलो जाओ जाओ जाओ। देखा, बद्री प्रसाद ने तो ये लड़का ना पसंद कर दिया। अब देखना यह है कि बद्री प्रसाद को कोई लड़का पसंद आता है या शालू ही अपनी पसंद का लड़का लेकर आएगी। यहां से शुरू होता है हमारा धारावाहिक शालू का प्यार। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में हम लोग। भांजे श्री, प्रिय भांजे श्री, अरे पहलवान श्री, आपने हमारे भांजे, आप तो यहाँ लोहे की उठा पटक में व्यस्त हो। अरे चंदा मामा, आप और यहाँ पेट हल्का करने आए हो क्या? पेट हल्का करने नहीं, बल्कि ये कहने आए हैं कि आप अपराह्न 12 बजे तक किसी से मुठभेड़ करने की चेष्टा ना करें, अन्यथा कष्ट में आ जाएंगे, यही स्पष्ट करने आए हैं। अरे मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा जो मैं किसी से मुठभेड़ करूंगा? सत्य वचन सत्य वचन। शालू, तो अमिताभ की इतनी दीवानी क्यों है? अमिताभ अमिताभ भैया, वो तो है, कल रात मैंने दीवार 25वीं बार देखी। क्या बात कर गई। अच्छा, मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हर पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अमिताभ अमिताभ भैया, जस्ट टू मच। वाह क्या खूबसूरत जिस्म है, लेकिन वो जिस्म किस काम का जो खूबसूरत हाथों में ना हो। वाह क्या खूबसूरत गाल है, लेकिन वो गाल किस काम की जिस पर कोई खूबसूरत हाथ ना पड़े।
ए, कहां गई? पीटर, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। ये रही जिम की चाबी, इसे अपनी जेब में रख लो पीटर। अब मैं ताला तुम्हारी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगी, ये रख। भांजे, ये संवाद तो चलचित्र दीवार में श्री अमिताभ बच्चन ने बोले थे ना? ये वही है ना जो 786 का बिल्ला पहन के घुमा करते थे? हाँ, वही वही वही। क्या है भाई? अरे मामा। उत्तम मती उत्तम। अरे आपने तो डिशम डिशम का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। अरे आगे आगे देखो, भांजे तो कूदती भी है। अरे श्री मान तो योगा की मुद्रा में आ गए। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मारो इसे। ना भांजे ना भांजे, 12 बजे से पहले मुठभेड़ के लिए मुट्ठी को नियंत्रण में रख, नियंत्रण में रख, नियंत्रण। इंग्लिश फिल्म की तरह। प्रभु, अबला कन्या की इज्जत 3 मिनट तक बचाए रखना, उसके बाद मेरा भांजा स्थिति को पलट के रख देगा। अबे क्या बच्ची की जान लेगा बे, तू छोड़ से। भांजे, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। अरे देखो, 1 मिनट रह गया है। अरे हेल्प मी। देखो, आधा मिनट रह गया है। 15 सेकंड रह गए हैं। अपने बिंदु पे तत्पर तैयार हो जा। जो आ गया गुरुदेव, विजयी भवा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सक्यूज मी। चलो रेप हो रहा है, अबे मर जाएगी वो। भाग जा, चल भाग। डोंट मेस विद मी। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ ना। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। आई विल ओनली मेस विद यू। डोंट मेस विद मी। नोबडी मेसेस विद हिम। बॉयज, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बाहर खिला उसको। इस खिड़की से जाना, उस खिड़की से आना। अति उत्तम। स्थिति को पलट के रख दिया। भांजे, आक्रमण जारी रहे। जनो, खलनायक श्री के साथ मुठभेड़ का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। एक्सक्यूज मी, सुनिए मिस्टर खिलाड़ी, मेरा नाम शालू है, आपका क्या नाम है? राजा। क्या करते हो? अभी तक तो कुछ नहीं कर रही हूँ, 1 साल बाद करूंगा राज इस देश पर। आई मीन टू से आफ्टर 1 ईयर आई विल बी द किंग, यू वेट एंड वॉच। मगर हमारे देश में तो जनता का राजा, आप राजा कैसे बनेंगे? ये तो बच्चे की जान ले रही है। भांजे, जैसे विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग कर दी थी, ये कन्या भी तेरी तपस्या भंग कर देगी। आई मीन टू से इसके मोहजाल में मत फंसना, अन्यथा राजा कभी नहीं बन पाएगा। सुनो,
मत सुनो, चलो। छोड़िए ना, ये जगह कोई प्यार करने की है? अब डार्लिंग, चोरी छुपे प्यार या तो घर के पिछवाड़े में होता है या गाड़ी के पिछवाड़े में होता है। एक बार शादी हो जाने दे, अगली सीट पे बैठ के ऐसा हॉर्न बजाऊंगा कि सारी दुनिया को पता चल जाएगा। तो शादी क्यों नहीं कर लेते? पहले प्यार तो कर ले, शादी के बाद कहाँ प्यार करने का मौका मिलेगा। मामा, अरे बहुत चुप जाता, कुछ बोलना नहीं। ओ मामा, गाड़ी की चाबी कहाँ है? ये रही। थैंक यू। अरे ये गाड़ी कहाँ जा रही? ये तो शालो बेटे लेकर गई ना। अरे इसका ब्रेक फेल है, तभी तो गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर। अब शालू का क्या होगा? मेरी डिक्की का क्या होगा? हे भगवान, मेरी शालू को बचा ले। हे भगवान, डिक्की को मत ठोकना। सुनिए, जूहू चर्च कौन सी बच जाएगी? कि कुंवारी कन्या के साय से भी दूर रहना। मालूम नहीं। टाइम क्या हुआ है? मालूम नहीं। कमाल है, आपने घड़ी पहन रखी है फिर भी टाइम नहीं बता रहे। देखिए, आप मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मम्मी मम्मी, डैडी ने मुझे आइसक्रीम दिलाई। हाँ तो बेटी खा लो। मम्मी, शादीशुदा औरत, अब मुझे कोई खतरा नहीं आपसे। आपको टाइम जाना था ना? जी देखिए, 1:30 बजे है और ये जो 5 नंबर की बस है ना, वो क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। आप मुझसे घबराइए मत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी शादी हो चुकी है, मेरी लाइन एकदम क्लियर है। अगर ये शादीशुदा है तो तेरी लाइन कैसे क्लियर है? आपको बस स्टॉप पे खड़े हैं तो लाइन में खड़े रहिए। ये शादीशुदा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे तेरे जैसे आदमी से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरी बीवी है। ये आपके पति? हाँ। नमस्ते। अबे सामने देख के दौड़ा कर। डाला। हेलो, मुझे आपका बयान लेना है। उन्हें जान ले ली, आप मेरा बयान ले लो। जिस लड़की की गाड़ी के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ, क्या गलती उसकी थी? नहीं, मेरी गलती थी, उसी की गलती थी, और किसकी थी? श्रीमान, श्रीमान, क्या आपने मेरे भांजे को देखा है? जी नहीं। भांजे, भांजे। ये क्या दुर्गत बना ली है तूने अपनी? कितनी बार तेरे को समझाया था कि कुंवारी कन्या के साय से भी दूर रहना। अच्छा अब सुन, अगर राजा बनना चाहता है ना, तो इसे ये मत बताना कि गलती लड़की की थी। क्यों? कान दे तो बताऊं। इससे आगे नहीं आ सकता। एक बार और बताऊंगा। ये क्या गुजर बसर हो रही है? इंस्पेक्टर साहब, गलती तो मेरी थी। फुटपाथ पे दौड़ने की जगह अगर बीच सड़क पे दौड़ूंगा तो गाड़ी ठुकेगी। लेकिन अभी भी वो तो चोट लगने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मामा जी आ गए, दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया। उस लड़की से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। अजीब आदमी। हाँ हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है, मगर शालू की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए सर से पांव तक लोहा, खींच दीजिए जमीन से आसमान तक लोहे की दीवार, मगर शालू हर दीवार को तोड़ देगी। अरे बेटी, तू ठीक तो है ना? आपकी औलाद फौलाद है डैडी। मगर मैंने तो फोन पे सुना था कि तू बहुत सीरियस है। सीरियस कंडीशन मेरी नहीं, उनकी है। उनकी? उनकी तो लड़कियां शादी के बाद अपने पति को बोलते हैं, ये उनकी कौन है? उनकी जो मेरी गाड़ी से टकराए हैं। हो सकता है वो मेरे होने वाले पति हो। क्या मामा, ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, मार तो कहीं पर भी नहीं लगी है, गाड़ी के पीछे तो चोट नहीं लगी है। पीछे? भांजी, 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 तेरी बैग की बात नहीं करो, गाड़ी की बैग की बात करो, कहीं डिक्की को तो चोट नहीं लगी? तू चुप करना यार। हवलदार, मिस शालू को छोड़ दो, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। इंस्पेक्टर, डिक्की कैसी है? किसकी डिक्की? मेरी डिक्की कैसी है? चोट लगी थी। मैंने तो गोरी छोड़ी थी, ये काली कैसे हो गई? ठीक है। आ गई मामा।
अरे आपको तो बहुत चोटें लगी हैं। तुम चले जाओ यहाँ से। आप कितने महान हैं, आपने मेरा सारा कसूर अपने सर ले लिया। सिर पे पूरे शरीर पे ले लिया है जी। ये फूल रख लीजिए। मुझे कोई फूल नहीं चाहिए। प्लीज चलिए यहाँ से। प्लीज मेरी तरफ से ये फूल रख लीजिए। यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई फूल नहीं चाहिए। चली जाइए यहाँ से। जब तक आप ये फूल नहीं लेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम लेट जाओ, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? ओए सुनिए, आज के एपिसोड में आप देख रहे हैं कि हमारी लाडली और प्यारी भांजी बिना कुछ खाए पिए तकिए का गला दबाए बगीचे में बैठकर बेगुनाह घास को तोड़ रही है। इंसान ऐसे गुनाह जिंदगी में सिर्फ दो ही बार करता है, एक या तो सर पे किसी का उधार हो और दूसरा जब दिल में किसी का प्यार हो। मामा ये हाल उधार वाली नहीं दिखती है, प्यार वाली दिखती है। कौन है? मेरी गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हो गया था ना, मुझे उससे प्यार हो गया। वेरी गुड, तो अब जाकर तेरी शादी भी हो जाएगी और तेरा बाप घर में अकेला हो जाएगा, तब जाके वो साला कहीं मेरी शादी के बारे में सोचेगा। मामा मजाक नहीं, I'm serious। अच्छा, तू मिली है उससे? गई थी ना मैं उससे मिलने फूल लेकर, उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। बात कैसे करेगा बेचारा, बीमार आदमी को जब मिलने जाते हैं तो फूल लेकर नहीं फ्रूट लेकर जाते हैं। अब की बार तू फ्रूट लेकर जाना। मामा फ्रूट लेकर? हाँ मैं जाऊंगी फ्रूट लेकर। क्या राजू शालू के संतरे मौसमी कबूल करेगा? और अगर करेगा भी तो क्या खाएगा? देखते हैं धारावाहिक शालू का प्यार अगले एपिसोड में। हम लोग तुम यहाँ क्यों आई हो? देखिए कल की गलती के लिए ना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे फूल खींच कर नहीं मारने चाहिए थे। तो अब क्या खींच? ये क्या है? फ्रूट है, ये देखिए इसमें एप्पल है, संतरे हैं, केले हैं और स्ट्रॉबेरी तो गिर गई। तो अब क्या फ्रूट खींच के मारोगी? नहीं 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 नहीं, आप ये खाएंगे ना तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। मुझे नहीं होना तंदुरुस्त, मुझे मालूम है। मेरे को ठीक करके तुम फिर मुझे गाड़ी से ठोकोगी ना? सब मालूम है, मुझे ऊपर पहुँचाना चाहती हो तुम। भगवान ना करे ऐसा। नहीं भगवान ही तो नहीं चाहता, जो कुछ चाहती हो तुम चाहती हो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बैठ जाइए ना प्लीज। देखिए आप बैठ जाइए। हाथ मत लगाना। मगर आप तो बैठ। हाथ मत लगाना। मैं आपको हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। अरे अजीब आदमी है, एक खूबसूरत लड़की को बाहों में लेकर रोमांस करने के बजाय सो रहा है। उठो उठो ना। मैं मौत के करीब सो गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्यों बच्चे की जान लेना चाहती हूँ? छोड़ दो, मैं पहले से ही टूट गया हूँ। मुझे छोड़ कर मत जाओ। मामा मामा क्या है भांजी? मामा वो तो मुझे लिफ्ट ही नहीं देता। अरे बाप रे, अभी अब एक ही रास्ता है, आप और डैडी जाइए और उससे मेरी शादी की बात कीजिए। ओके, अभी अपने धारावाहिक का हीरो काम क्या करता है? कोई काम नहीं करता। गवर्नमेंट की तरह है अपनी। देखो भांजी कैसी बात करती हो, दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा नाकारा दामाद नहीं ढूंढता। एक काम करो, क्या तुम उसे अपने बाप की फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दो और फिर शादी का प्रस्ताव रख देना, समझी? ओके ओके। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दान का वक्त खत्म हो गया है, अब हमारे आराम का वक्त है, कल आना। मगर महाराज मैं आपके फायदे की बात करने आई हूँ। तुम? हाँ मैं, बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या खुशखबरी लाई हो दासी? मैं आपको नौकरी दिलवाने आई हूँ महाराज। हाय रब्बा, ये खुशखबरी सुना रही है, दुख खबरी सुना रही है मुझे? अरे जब तनख्वाह सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। माँ सुनो, पूरे 5,000 मिलेंगे तुम्हारे गंगू तेली को। हाय रब्बा 5,000? सुना माँ, 5,000 रुपए एक साल बाद मैं अपने नौकरों को दान में दिया करूँगा मैं। हाँ खा ले पुत्र। भैया घर बैठे तुम्हें नौकरी मिल गई और तुम होके इनकार कर रहे हो, ये नौकरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी वरना दूध वाला तैयार है भाग जाएगा। सुनो तुमने दूध वाले के हाथ भाग जाएगी। हाय चुप कर। अरे बेटा साल भर की बात है,
कर ले नौकरी और इसका ब्याह करके कर दे इसे रवाना, फिर देखती हूँ कौन टोकता है तुझे। ठीक है माँ, तू कहती है तो तेरी बात मान लेता हूँ, वरना इतिहास गवाह रहेगा। महाराजा राजा प्रताप ने अपनी लौटी बहन के लिए एक छोटी सी नौकरी कर ली। ओ छोकरी, कहाँ नौकरी, चल बता। चल गंगूतली। चल। ओके बाय। ये राहु की रेखा यहाँ से जाएगी और इससे मिले। अब तो मैं राजा बनू ही बनू। भाई साहब आपका नाम राजा है? क्यों नाम बदल दोगे मेरा? नहीं सेठ जी बुला रहे हैं, उनको कहो वेट करे। क्या बोला? सेठ जी को बोलू वेट कर। अरे पता नहीं राहु कालम चल रहा है। वैसे राशि क्या उनकी? उनकी राशि बद्री, मकर राशि। मकार राशि? मकार नहीं मकर। हाँ वही मकार, मकर एक ही होता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग राशि होती है, नौकरों पे बड़ा जुल्म करते हैं। अच्छा? मैं तो कहता हूँ पैकअप कर दो, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो नौकरी। ओ आधी चड्डी वाले, जा बेटे एक गिलास ठंडा पानी लिया। अच्छा जा भाग के लिया। लाता हूँ। वो मकार मैं तुला, पंगा तो होवे ही होवे। पानी? अबे तमीज नहीं है पानी देने की, बदतमीजी रही हो। अबे ये वही है ना, नौकरों की फोटो लगा रखी है ताकि नजर ना लगे ना ऑफिस को। हाँ, मुझे पता है बहुत कमाल का सेट है तुम्हारा। तेरे मुंह में ज़बान है कि रेस का घोड़ा है, पट 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 चलती रहती है। ए हाथ दिखा। राहु कालम खत्म हो गया। 10 मिनट में कह दे तेरे सेट को इंटरव्यू ले ले, उसके बाद मेरे पास वक्त नहीं है। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। ये बद्री प्रताप सेठ है, ये तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। ये सेठ है? हाँ ये सेठ है। मुझे नहीं करनी नौकरी। क्यों नहीं करनी? अपना होलिया देखा तुमने? फकीर हो गया, नौकरी नहीं करता मैं। अच्छा चल मैं तेरे लिए होलिया बदल लेता हूँ, पगार क्या लेगा? पगार 10,000 दे देना। बस 10,000 में चल जाएगा? 12,000 दे देना, आप पर लिहाज कर रहा हूँ और क्या। नौकरी भी कितने बजे आएगा? ऑफिस कितने बजे बंद होता है? 5 बजे। 5:45 बजे आ जाऊंगा। जी चाहता तेरी जबान निकाल के टैग बना के लटका दूं यहाँ पर। मेरा भी जी चाहता आपकी जुबान खींच के लंगोट बना के पहन लूं। बहन की वजह से चुप हूं इसलिए आ गया हूं नौकरी के लिए। मैं भी अपनी बेटी की वजह से चुप हूं, वरना तेरी तो वो हालत करता कि तू जिंदगी भर याद रखता। 1 साल का बॉन्ड भर के देना पड़ेगा तुझको। 1 साल का नहीं भरूंगा, 11 महीने 27 दिन का भरूंगा। 1 साल बाद तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। चपरासी की नौकरी दूंगा, फुल पैंट पहन के आयु वॉचमैन बाहर निकाल उसको। जा रहा हूँ बच्चे की जान लेगा क्या? जा रहा हूँ मालिक बनेगा। और सुन, 1 साल बाद सब मेरा हो जाएगा, चपरासी की नौकरी दूंगा। ये भगवान, ये राजा बने या ना बने, लेकिन ये तो चपरासी जरूर बनेगा। सच कहा डैडी आपने, जवान बेटी का बोझ बाप के सीने पर पत्थर के सील की तरह होता। अरे है। नहीं बेटी, ये कोई ऐसा बोझ थोड़ी है जो इंसान सीने से उठाकर कुएं में फेंक देता है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है, जिस राजा से तू शादी करना चाहती है वो एक नंबर का निकम्मा है, कमाता क्या है वो? डैडी कमाने का तो यूं है, अगर आप उसे नौकरी दे देते तो आज से ही कमाने लगता। अरे बेटी वो घर में बैठकर सपने देखने वालों में से है, ज्योतिष विद्या के चक्करों में पड़ा रहता है, ऐसा आदमी कभी काम धंधा कर ही नहीं सकता। डैडी आप मेरे राजा को गलत समझ रहे हैं, वो तो बहुत ही भोला और सीधा है। अब एक बार मुझसे उसकी शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिए बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आते ही वो ज्योतिष के पास जाना भी छोड़ देगा। शाबाश बेटी शाबाश, यानी मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ और तू उसकी तारीफों के पुल पे पुल बांधी चली जा रही है। डैडी मैंने उसे दिल जो लगाया है, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू? पक्का? मैं तुझे सारी जिंदगी घर में कुंवारी बिठा दूंगा, मगर उस निकम्मे से तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगा। कमाल है, मेरे लाख समझाने पर भी आपने ना कर दी, अब पता नहीं मैं क्या करूंगी। क्या करेगी? चलिए। कहाँ? आपने मेरे लिए नई गाड़ी खरीदी है ना, उसमें घूमने चलते। लेकिन इस बात को घूमने से क्या लेना? चलिए ना डैडी, चलिए प्लीज चलिए। बोल तो सही, बात क्या है, मुझे घुमाने आ गया। मजा आएगा। हाँ, लगता है बाप बेटी दोनों नई गाड़ी में बैठकर शहर के लिए जा रहे हैं। क्यों? हाँ मामा आप भी चलेंगे? जब तक गाड़ी में मिर्ची और नींबू नहीं लगते मैं नहीं चलता, आप जाइए। मिर्ची नींबू मतलब? अच्छा डैडी हम लोग नींबू मिर्ची लेकर आते हैं। क्या शालू गाड़ी चला पाएगी? और अगर चला पाएगी तो क्या रोक पाएगी? और अगर रोक पाएगी तो क्या बद्री प्रसाद गाड़ी से उतरकर अपने पैरों पे चल पाएंगे? देखते हैं धारावाहिक शालू के प्यार के अगले एपिसोड में। हम लोग टनंग। डैडी आप मेरी शादी राजा से करवाएंगे या नहीं? कभी भी नहीं, मर जाऊंगा नहीं कराऊंगा। ओके
पास में गाड़ी चला रही है क्या? एक मौका और देती हूँ, सोच लीजिए। काय का भाई, शादी करवाएंगे। डैडी कूल ड्रिंक। थैंक यू वेरी मच। ये नारियल कहाँ से है? ऐसे चलते उठा लिया। तू क्या कर रही, तो पागल हो गई क्या? अरे अरे मारी, अरे लोगों को मारी। अरे बाप रे, एक गाड़ी रखो। हाँ क्यों, हवा अच्छी है ना? हाँ। अरे मैं हवा खाने ने दवा खाने आया हूँ। अरे बुढ़े कौन है तेरी बेटी है कौन है? अगर क्या पागल खाने से आई है? अरे मैं दवा खाने जा रहा हूँ। अरे बाप रे, पागल हो गई क्या तू? अब भी वक्त है डैडी, अभी तो सिर्फ दरवाजे गए हैं। नई गाड़ी थी ये तो। ओके। अरे बुढ़े कौन है समझा? मैंने अभी तक शादी नहीं की बाबा। अरे सुन परिवार, मेरे दोनों घुटने फेल हो गए। डैडी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अब ये हवाई जहाज उड़ने वाला है। तू क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? ठीक है। अरे तू बोनट गए मेरी माँ। क्या मौत के कुएं में गाड़ी चला रही है क्या? ए माँ खाली छत बाकी है। डैडी एकदम फाइनल चांस, वरना टोटल लॉस। तू क्या कर रही है तू? नहीं बोल। कौन थे, किस दुनिया से आए थे? अबे हराम खोरो, मेरे को छोड़ के कैसे चले गए बे? हाँ तुम पे भरोसा किया था ना, तेरे एम्बुलेंस तेरे अस्पताल के। साले मुझे समझ क्या रखा था, निकाल इसको। तो डैडी यहाँ अब आपका क्या ख्याल है, अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? कौन सा रिश्ता? मेरे राजा का और मेरा। हाँ मेरी माँ, मुझे मंजूर है, मुझे खाली गाड़ी से बाहर निकाल दे। उस तरफ डैडी, वहाँ से। हाय। तू फिर आ गई? अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी है? तू अपने बाप को कह दियो एक साल बाद राजा बनूंगा मैं, नौकर होंगे, गाड़ी होगी, चाकर होंगे, देख लियो, तेरे बाप को चपरासी की नौकरी दूंगा मैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो मुझ पे? तुम राजा बनो ना बनो, मेरे दिल के हीरो तो बन गए ना। सुनो क्या है, मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? बैठ जा। तुम्हारे करीब लेट जाऊं? लेट जा। हाथ रख लो, अरे कंधे पे कंधे पे कंधे पे रख ले। किसी कर ले कर ले कर ले, जल्दी कर 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 जल्दी कर कर। अब गाना गा लो। गा ले दूर हट, मेरे पीछे मत आइयो। अभी तो मस्ती कर रहे थे, गाना गा रहे थे, क्या हुआ तुम्हें? अब होश में आ गया हूँ मैं, अपनी बर्बादी का कारण पता लग गया मुझे। अच्छा कौन है, कहाँ है वो? सामने खड़ी है, हटो। अरे मैंने क्या किया राजा, मैं तो तुमसे प्यार करती। देख पागल मत बन, अपनी हैसियत के हिसाब से किसी टाटा बिल्ले शादी कर ले, और मेरा क्या, एक साल बाद राजा बन जाऊंगा, उसके बाद क्या लड़कियों की लाइन नहीं होगी? और शादी करनी भी होगी तो इंग्लैंड की किसी प्रिंसेस से कर लूंगा, रियासत की किसी राजकुमारी से। पागल हूँ जो तुझसे करूंगा। हाँ जी। मामा। क्या बात है?
मामा राजा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। क्या करें, जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा उसने अकलमंदी की बात की है। जो काम मैं करने वाला था उसने कर दिया। डैडी, मैं शादी करूंगी तो उसी से। क्या बेटी, मैंने सारी जिंदगी प्यार मोहब्बत से तुझे राजकुमारियों की तरह पाला, इस दिन के लिए? अरे दुनिया की कौन सी खुशी जो मैंने तेरे कदमों में लाके नहीं डाली है? ये देख, सिर्फ ये पुतला 2 लाख रुपए का है, ये कालीन, ये पलंग, ये फानूस, ये सब 25 लाख रुपए का है, ये श्रृंगारदान, अरे कमरे की सारे आतायश, ये सब 50 लाख रुपए की है। क्या ये सब इसी दिन के लिए किया? कमरे की कीमत 50 लाख रुपए होगी स्क्वायर फीट के हिसाब से। जब अच्छा, एक मिनट। नहीं नहीं बेटी, छोटी छोटी बात में बाप को गोली नहीं मारते बेटे, नहीं करते। कोई बात नहीं डैडी, जिस घर में प्यार ना हो वहाँ इस मूर्ति का क्या काम? अरे हाँ, 2 लाख का चूना। डैडी, जिस घर में रोशनी ना हो वहाँ फानूस का क्या काम? 80,000 का अंधेरा। और ऐसे घर में नुमाइश का क्या काम? सारे फिश टैंक पे पानी फेर दिया। अरे तू पागल हो गई है क्या? अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे, अरे तू क्या कर रही है? मैं अपने आप को मार डालूंगी डैडी, आप मेरी शादी राजा से करवाई। अच्छा बाबा, अच्छा अच्छा, तू जीती मैं हारा, तेरी शादी उसी के साथ होगी बस। मगर डैडी, राजा ने तो शादी से इनकार कर दिया। मगर ये क्या कर रही है? अरे उसके इनकार को इकरार में बदलना मुझे आता है। खुश चलिए। श्रीमान, मेरे दुर्बल निर्बल शरीर को धक्का देने का तात्पर्य है? तूने राजा से ये नहीं कहा कि तू राजा बनने वाला है? हैं? दूसरों को उनका भविष्य बताता है, तुझे तेरा भविष्य मालूम है? तुझे मालूम है तेरे साथ क्या होने वाला है? इसका तात्पर्य? तात्पर्य ये कि अगर तूने ये कहा कि तू 20 साल और जिंदा रहेगा तो मैं तेरी गर्दन काट डालूंगा, और अगर तूने ये कहा कि तू अभी मर जाएगा तो मैं तुझे वैसे ही मार डालूंगा। अरे तू बताइए मुझे करना क्या है? करना ये है कि मेरी बेटी की कुंडली फौरन राजा की कुंडली के साथ मिला डाल। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो राजा को लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा है। तूने दूर किया तो तू ही पास कर दे, वरना सेठ जी की तलवार तुझे दुनिया से दूर कर देगी। नहीं 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 नहीं, आप सेठ जी की तलवार को समझाइए, ऐसा कदापि ना करे। वो एक ही भाषा समझती, जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर वरना गर्दन कटी तेरी। बोल। ठीक है, मानता है? मानता हूँ। कदापि? कदापि। हटाऊं तलवार? हटा लीजिए। ओ मामा, 6.5 महीने हो गए, राजा बनने का टाइम कब आएगा? ओहो, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं भांजे, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक लड़की की कुंडली देखी है आज। अरे कुंडली क्या है, लगता है तलवार की धार पर बनाई गई है। अगर तू उससे विवाह कर लेगा ना तो राजा क्या महाराजा बन जाएगा। अबे कौन है, काली है, लूली है, लंगड़ी है, जैसी भी है बता। देखो ये तो शालू है। शालू नहीं, बहुत अच्छी लड़की है। अबे ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये तो मैं आपकी वैसे घास नहीं डालने ऐसे। ओ तो फिर जल्दी कर, घास डाल, शादी कर, राजा बन। ओके। तलवार की धार पर पहली बार भांजे को झूठ बोलना पड़ा है आज। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाक रे, उड़ा जाए कजरा दिखे। अरे तेरी भाभी की फोटो, मैं चला। ये क्या करे भैया? ये तू पकड़। अरे बीवी मिल गई, बीवी मिल गई। अरे साइकिल पे जाऊंगा, जल्दी मिलेगी बीवी। बीवी मिल गई भैया। छोड़ छोड़, तुझे मेरी कसम है, छोड़ छोड़ मुझे, जाए तू, चली अंदर, छोड़ छोड़। राजा बाबू पधारे हैं, कोई है हमारा स्वागत करने वाला? आसन लेके हमारे लिए। अबे ओ, क्या फेरी वालों की तरह आवाज लगा रहा है और हाथ बांध के तमीज से खड़ा रहे। हाथ तो अब आप हमारे सामने जोड़ोगे, दामाद जो ठहरे हम आपके। अच्छा, ये हक तुझे किसने दे दिए? आपकी बेटी ने। हाय। आ गई। अरे ये तुम मुंह पर क्या लगा कर आए हो? तो बस मैं यूं ही शेव कर रहा था तो। अच्छा? बैठ जाओ। हाँ बैठो ना, बैठो, नजदीक आ जाओ, आ जाओ। अरे हाथ रख लूं? हाँ रखो ना। किसी कर लूं? और मेरे सामने राजा, तुम ठीक हो ना? आपने मुझे मारा क्यों? तेरा तो मैं गला काट डालूंगा। शादी से पहले एक शर्त है, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा तुझको। डैडी, लड़की वाले दहेज देते हैं, लेते नहीं। अच्छा, निकल बाहर। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुहूर्त निकलवाइए। पहले पैसे दे, फिर मुहूर्त होगा।
अजीब किस्म के आदमी है। मैं कह रहा हूँ आप मुहूर्त निकलवाइए, मैं पैसे दे दूंगा। नहीं, पहले पैसे दे फिर मुहूर्त होगा। डैडी क्या है? मान जाइए वरना तौलिया बहना। मान जाता हूँ, मगर डैडी से पहले अगर तूने 1,00,000 रुपया कैश नहीं दिया तो मैं फेरे नहीं होने दूंगा। हटिए। अरे तू मेरे से बात करना, उधर क्या कर रहा है? ओके ओके, ताली वाली नहीं मिलेगी, चल बाहर। इससे समझा दे ताली नहीं मांगे। ताली तो लेके रहूंगा। ओ माँ, ओ माँ, अरे माँ खुशखबरी लाओ, खुशखबरी। ओ माँ। कैसी खुशखबरी पुत्र? ओए माँ, मैं शादी तय कर आया हूँ माँ। चुप चुप जियो पुत्र, मेरा बीबा पुत्र। अभी लड़ी रंदी अपने प्रादे नाल सुना तेरे। माँ मेरे भैया पे वारी जाऊं। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। मुझे 1,000 कार्ड छपवाने। 1,000 कार्ड? हाँ? 1,000 कार्ड तक पहले करेगा? मेरी बात तो सुन ध्यान से। 1 कार्ड दूंगा तो 100 रुपए घर में आएंगे, 100 रुपए घर में आएंगे। 1,000 कार्ड दूंगा तो 1,00,000 रुपए घर में आएंगे। जब 1,00,000 रुपए घर में आएंगे उस भिखारी की औलाद को दहेज भी तो देना है 1,00,000 रुपए। देखो देखो भैया, जो कुछ कहना मुझे कह लो, उनको कुछ ना कहना। हाँ। कर लो बात। और ससुरा मेरा, परेशानी इसे क्यों हो रही है? ससुरा तेरा? हाँ? किसका? और इसका ब्याह किसका हो रहा है? ओ माँ, माँ ब्याह मेरा हो रहा है। पुत्र ऐ की कर रहा है तू? जवान बहन घर में कुंवारी बैठी है और तू अपना ब्याह पक्का करके आ गया। माँ मेरी शादी होगी तो इसकी शादी होगी ना। और प्लीज आप लोग मुझे टेंशन मत दो, मुझे कार्ड बनाने और बेचने भी तो हैं। आप लोग किसी बात पर खुश नहीं होते हो क्या? हमेशा रोते रहते हो। तो चुप कर, मेरे राजा बेटे का दिमाग बड़ा चंगा है, जरूर कुछ सोचा होगा। हाँ, सोचा होगा। चुप कर। शादी का कार्ड ले लो, शादी का कार्ड ले लो, 100 रुपए में। शादी का कार्ड 100 रुपए में ले लो। 100 रुपए में कौन सा न्यूज़पेपर? अबे ये न्यूज़पेपर नहीं है, मेरी शादी का कार्ड है। 100 रुपए लेके आइयो, फुल फैमिली 5 स्टार होटल में खाना खाइयो। 5 स्टार होटल में? अबे लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आ जाइयो ढोलकी के, 100 का पन्ना लेते आइयो। हाँ भाई आऊंगा। हाँ ये लो। अबे नारा। अरे भाई कौन है, नहा तो लेने दो। अरे श्रीमान, नहाना धोना तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन ये मौका हाथ से निकल गया तो जीवन भर पछताओगे। मेरी शादी का कार्ड है, अपनी बीवी बच्चों को साथ में लाइयो, खाने को बहुत कुछ मिलेगा। आ जाइयो, 100 का नोट जरूर लाइयो। है? और श्रीमान कार्ड को तौलिया समझकर अपना बदन मत पोंछना। ये भले लिफाफे से पोंछ लियो। है? ओके ओके, चलो 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 चलो। अरे कोई तो मिला। कूली। ओहो चाचा जी, आप कूलियों को बुला रहे हो? मैं हूँ ना कूली। ओ मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। ये लीजिए कार्ड, 100 रुपए लिफाफे में डाल के चाची को लेके जरूर आ जाना, मेरी शादी का कार्ड है। मगर हम तुम्हें जानते ही नहीं। ओ इसमें जानने की क्या बात है, मेरी माँ ने कहा था दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं तो मैं इसलिए आ गया। लो चलो। अरे चाची खामखा गले पड़ रहे हो तुम। ओ गले ही पड़ रहा हूँ ना, कुछ लेके तो नहीं जा रहा हूँ ना, 100 रुपए ले रहा हूँ, 5 स्टार होटल का खाना दे रहा हूँ, और क्या बच्चे की जान लोगे अब आप लोग? चलो अच्छा यूँ समझ ले, कूली को पैसे दे दिए, जल्दी चलो चलो मुझे और भी कार्ड बांट दे। चाचा जी आप साइकिल लेके आइए, नाटक मत कीजिए, चले प्लीज जल्दी आइए। मामा जी आधे कार्ड बट गए, बस एक कोई अच्छी पार्टी मिल जाए। सत्य है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये क्या हुआ? मेरे पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी को सर के 100 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे? 100 साल तो नहीं, 102 बरस पूरे हुए थे। हे भगवान कितना निर्दयी है तू, लेकिन बेटा हिम्मत मत हारना, सुख सबके भाग्य में नहीं आता। मेरे भांजे की शादी है 15 तारीख को, आपके पिताश्री ने वादा किया था कि वो इसकी शादी में जरूर आएंगे। अब पिताश्री तो रहे नहीं तो बेटा श्री को वादा पूरा करना पड़ेगा, शादी में जरूर आना। ठीक है, मेरे 100 रुपए की बात तो करो ना। अरे हाँ बेटा, एक बात और अंडरलाइन कर लो, आते वक्त 100 रुपए लेते आना, आपके पिताश्री की आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा अब आप इधर निकल लो और हम इधर निकल लेते हैं। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। मामा 40 कार्ड दे दिए, सिर्फ आपका कार्ड रह गया है। अरे मुझे कार्ड की क्या आवश्यकता है? 100 रुपए आपसे भी लूंगा, हक बनता है, हक बनता है। ठीक है 100 रुपए दूंगा तो गुरु दक्षिणा भी। मामा ये किसी भी सीमत क्या करो यार, बार बार गंदी किसी करते रहते। नियम वर्गो दे वस। अरे पंडित बंद करो, ये शादी नहीं हो सकती। ससुर जी ये आप क्या कह रहे हो? वादे के मुताबिक तुम 1,00,000 रुपए मुझे लाके नहीं दे सके, इसलिए शादी कैंसिल। माइक दो। हाँ एक मिनट, ये लीजिए। देवी और सज्जनों, किसी अनिवार्य कार्य के वजह से शादी स्थगित की जा रही है, जिसका हमें खेद है। आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, धन्यवाद। अबे क्या बच्चे की जान लेगा,
ससुर जी, जैसे मैं मंगलसूत्र पहना दूंगा लोग मुझे पैसा देना शुरू करेंगे, मैं पैसे जमा करके आपको दे दूंगा। ये लोग किस बात के पैसे देंगे तुझको? गिफ्ट सर, तोहफा। अच्छा अच्छा, कोऑपरेटिव मैरिज। अच्छा 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 अच्छा, अपनी मेहनत से नहीं कमा सकता इसलिए लोगों से भीख मांग के डोनेशन लेके शादी करेगा तू? मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। कैंसिल करो ये शादी, कैंसिल कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल यार? मामा, भांजी, एक डब्बा घास लेटर माचिस तो लाना। ला दूंगा, लेकिन आग किसको लगाओगी? अपने आप को। देखा, आपकी बेटी आत्महत्या करने पे तुली हुई है, घास लेटर माचिस दूं? बेटी तू क्यों जलना चाहती है? डैडी, लगन मंडप से बिना सुहागन बने उठ जाऊं, इससे तो मर जाना ही बेहतर है। ठीक है भाई, जो तेरी मर्जी, जो मन में आकर शादी हो जाने दो। श्रीमान, आपके कहे अनुसार मैंने सब कार्य किया है, फिर इस तलवार से मेरा स्वागत क्यों किया जा रहा है? ओह, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम पुत्री का। अच्छा भांजे, ये तलवार मुट्ठी में पकड़ लो। ये क्यों मामा जी? अरे राजा महाराजा लोग जब शादी करते हैं तो तलवार मुट्ठी में पकड़ते हैं। तू भी पकड़ेगा ना तो राजा बन जाएगा। मैं भी राजा बनूंगा। आप शुरू कीजिए। अरे जल्दी करना ढोलकी। सज्जनों, विवाह का आनंद प्राप्त हो रहा है ना? बिल्कुल। मामा जी, दूल्हे राजा ने हाथ में तलवार क्यों पकड़ रखी है? श्रीमान, इसलिए कि दूल्हे राजा ने एक मन्नत मांगी। मन्नत? हाँ, एक दूर के पहुँचे हुए स्वामी ने इनसे कहा है कि अगर ये 200 मेहमानों का दायां हाथ काट के बलि चढ़ाएंगे तो संसार में बहुत नेम कमाएंगे और राजा बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको प्रेजेंट देने जाएंगे तो वो हमारा दायां हाथ काट लेगा। हाँ, आपने सही पकड़ा, लेकिन ये आप किसी से कहिएगा नहीं, नहीं। अन्यथा आपका दायां हाथ काटने से पहले वो मेरी बाई गर्दन उड़ा देंगे। सारी रामायण मेरी शादी में पड़ेगा, बंद कर इसे, कैश का प्रोग्राम शुरू कर, जल्दी कर। जी जी। देवियों और सज्जनों, अब आप एक एक करके आइए और दूल्हा दुल्हन को तोहफे अर्पण कीजिए। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अबे दाया हाथ क्यों देख रहे हो, उससे तोहफा भी दे दो। श्री यजमान जी, शादी की बधाई हो, मेरी दक्षिणा। अबे क्या बच्चे की जान लेगा, ढोलकी के गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए। सुहागरात तो बनने दे, तब तक ये सेब खा। सुहागरात की रात पर ये नखरा, न पति के पैर पड़े, न चुम्मी दी, न दूध पिलाया, सीधे आके लंबा लेट हो गई है। और ये क्या, इतनी मोटी कैसे होगी? अच्छा, सुहागरात की खुशी में डबल रोटी होगी तू है? सुहागरात? काहे की सुहागरात? पिताजी की आवाज की नकल करी तू है? नकल नहीं, ये असल है। तुम यहाँ कैसे? कुछ लेना है जो पैसे? कैसे पैसे? 1,00,000। काहे के 1,00,000? शर्म नहीं आती? सुहागरात के दिन दामाद से उधार मांग रहे हो? उधार मांग रहा हूँ? उल्लू का पट्टा, तूने शादी से पहले 1,00,000 देने का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया। मंगलसूत्र डालने के बाद 1,00,000 देने का वादा किया, फिर मुकर गया। अब मैं मुंह नहीं फेरूंगा, प्लीज सुहागरात के बाद पैसे दे दूंगा। अबे चल, प्लीज दे दूंगा। चल, 1,000 झूठे मरे थे तब तू जाके पैदा हुआ था, तो अभी हिसाब चुकता कर वरना बोरिया बिस्तर गोल कर। अब कौन सा बैंक खुला होगा, दे दूंगा ना। बैंक? अबे जहर खाने की औकात नहीं, बैंक ही मुझे धौंस दे रहा है। कल सुबह ले लियो यार। कल सुबह? पक्का 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 देगा ना? पक्का। चल ठीक है, सुबह ले लूंगा। अबे तो लेट गया, सुहागरात तो बना दो। तूने पैसे देने का वादा कब का किया है? कल। तो सुहागरात भी कल मनाना। अरे राजा, ये सब क्या हो रहा है? डैडी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटी और दामाद के बीच में 1,00,000 रुपए की दीवार बांध रही है ये। डैडी, आप अपनी बेटी की गृहस्थी में पेट्रोल छिड़क रही है ये। डैडी, आपके पास इतने सारे पैसे होते हुए फिर भी दामाद से भीख मांगेंगे? तुम मुझे बोलने दोगे? हाँ भाई बोल। तुम बे चपड़गंजू, अगर तूने 1,00,000 रुपए दिए बगैर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तेरे हाथ काट डालूंगा। याद रखना, कम से कम इन्हें दूध तो देने दीजिए। दूध काहे के लिए, आज कोई नाग पंचमी है? हद हो गई है यार, हद हो गई है। 1,00,000 रुपए नहीं दूंगा, क्या कर लेगा तू? अच्छा, ये पकड़ बेटी। अगर मैं तेरी गर्दन पकड़ के तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूं, तू क्या कर लेगा? डैडी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। देखो, लोग दूल्हे को दुल्हन के कमरे के अंदर धक्का देते हैं और आप हो के दूल्हे को दुल्हन के कमरे के बाहर धक्का दे रहे हो, ऐसा जुर्म क्यों? क्यों?
बताता हूँ वो क्या है ना बेटे, अगर तूने 1 लाख रुपए दिए बगैर मेरे कंपाउंड में भी दाखिल होने की कोशिश की ना, तो मैं तेरी गर्दन पकड़ के तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। पूछ कैसे मैं चला कैसे? क्या राजा सुहागराज मना पाएगा? क्या बद्री प्रसाद बिना 1 लाख लिए सुहागराज मनाने देगा? शालू क्या करेगी? सुहागराज मनाएगी कि सफेद साड़ी पहनकर विवाह हो जाएगी। जानने के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, चाय पानी पॉपकॉर्न जूस के बाद। टिनिंग बाबा पर लूट गया बाबा बाबा। उफ भांजे, विवाह के बाद इस तरह के खिलवाड़ माँ में बेकम बीवी पे ज्यादा शोभा देते हैं। दक्षिणा लेके बीवी के पास जा। मामा ये किसी विषय मत किया करो यार, वैसे ही परेशान हूँ। अब क्या परेशानी उत्पन्न हो गई? वो बुड्ढा खुसन मुझे सुहागरात बनाने नहीं दे रहा। कहता 1 लाख रुपए लूंगा तो सुहागरात बनाने दूंगा। मतलब तूने सुहागरात नहीं बनाई? नहीं। ये तो अत्यंत ही अशुभ समाचार है। क्या मतलब? अबे तू अगर सुहागरात नहीं मनाएगा तो तेरे राजा बनने के ग्रह जो है वो हमेशा गर्दिश में रहेंगे। तो मैं क्या करूँ मामा? कुछ भी कर पर सुहागरात जरूर मना। कुछ आइडिया है आपके पास? कान दे तो आइडिया भी दूं। हाँ, दो दो। एक बार नहीं बाबा, मामा कर ले कर ले कर ले। गंदे शौक नहीं है मुझ में। अबे कर ले ना, ये लड़का मेरे को किसी क्यों नहीं करता। उई, शालू मिल गई। राजा, राजा, तू पूछो तुम्हारा वो खुसर बाप आ जाएगा। चुप। नहीं नहीं नहीं। चलो एक बात बताना। हाँ पतिदेव। ये मैं रिवर्स क्यों जा रहा हूँ? अबे मैंने बाहर के तालाब में गंदी मछली नहीं छोड़ी, घर के तालाब में कहाँ से छोड़ूंगा? एक बात बताओ ससुर जी, ये 24 घंटे इस कमरे के इर्द गिर्द रहते हो क्या? क्योंकि जवान बेटी का बाप ताजमहल के चौकीदार की तरह होता है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि किसी गंदे आदमी के हाथ से ताजमहल गंदा ना हो जाए। डैडी ये क्या जुल्म है, ये मेरे पति हैं। हाँ डैडी ये क्या जुल्म है, मैं उसका पति हूँ। मैंने तुझे अभी तक पति होने का लाइसेंस दिया नहीं है, 1 लाख रुपया देगा तभी लाइसेंस दूंगा। सारा दिन पैसे 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 मांगते रहा करो, किस बात की कमी है हमारे पास? मेरा मतलब है किस बात की कमी है तुम्हारे पास? 1 लाख रुपया कम है डैडी, 1 लाख जैसी छोटी रकम के लिए आप पति पत्नी को अलग कर देंगे? डैडी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? कहीं से भी लाए, जब तक 1 लाख रुपया नहीं लाएगा मैं इसको तुझसे मार लो, मार। अबे कोई है, इसको बाहर निकालो। जा रहा हूँ, हमेशा पुरानी स्टाइल में भेजा करते, कोई नई स्टाइल लेके आओ। जा रहा हूँ मैं, फिर देखो नई स्टाइल। ये किस किस्म का नया स्टाइल है? क्या है ये? दामाद वाली स्टाइल है, दामाद वाली। मार लो, चप्पल भी मार लो बेटे, मार लो। अरे पुत्र, सारे बस्ती वाले पूछ रहे हैं कि बहू कहाँ है, बहू कहाँ है। समझा कर पुत्र, मैं उनको क्या जवाब दूँ? ओ माँ वेरी सिंपल, कह दियो बेटे ने कसम खाई हुई है जब तक अपनी बहन की शादी नहीं कराएगा घर में बहू नहीं लाएगा, और वैसे ही बुढ़िया 20 के पार हो गई है। ओ तेरे भरोसे बैठी रही ना तो 60 भी पार कर लूंगी। लो आ गई बुढ़िया। और वैसे भी मैंने तेरे पे भरोसा करना छोड़ दिया, मैंने उस पंटिया पे भरोसा कर लिया है। कौन पंटिया? ये वही है ना जो मेरे बाल काटता है? कम से कम 2 वक्त की रोटी और तन ढाकने के लिए कपड़ा तो देगा। और मैं उसके कपड़े फाड़ दूंगा। हाँ, बकवास मत किया कर। और माँ तू समझाती क्यों नहीं, भाई राजा बहनोई नहीं। ओहो शर्म कर, चुप कर कुड़िए। और तू मेरी फिक्र छोड़, बाहर कर्जदार लाइन लगा के खड़े हैं, उनकी फिक्र कर। हाँ पुत्र, उनको क्या जवाब देगा तू? ओ माँ वो क्या बच्चे की जान लेंगे, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उनके। जजमान तो आओ। अरे क्यों भाई, क्या भीड़ क्यों जमा कर रखी है? क्यों शक्लें भूल गए? मैं हूँ बैंड वाला। मैं हूँ घोड़े वाला। अरे भाया मैं हलवाई। और मैं शामियाने कनाते वाला। अरे जजमान मैंने तुम्हारी शादी के मंत्र पढ़े थे। नहीं जल्दी भूल गए, शादी के कार्ड तो मैंने ही छापे थे। और पूछ रहा है भीड़ क्या जमा रखी है? ये सब तुमने किसके लिए किया था? तुम्हारी शादी के लिए। मेरी शादी के लिए? शादी का मतलब जानते हो ढोलकियों के? शादी का मतलब ये होता है कि लड़की फेरे लेने के बाद घर आती है, लड़का लड़की सुहागरात बनाते हैं। अरे मनुष्य ना मैंने सुहागरात बनाई ना लड़की घर पे आई। हम कुछ नहीं जानते जजमान, हमें हमारे पैसे चाहिए। अबे क्या बच्चे की जान लेगा तू? मेरी टोपी है। एक काम करो, मुझे मेरी बीवी दिलवा, मैं तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा। चलो उस बूढ़े के पैसे लेके आते हैं। चलो रुको, मैं घोड़े पे जाऊंगा, तुम लोग सब चल के आओगे समझे। चलो रुको, बैंड वाले पीछे आएंगे समझे। चलो रुको। छोड़ो यार, ओए छाता खोल, ओए ला घोड़ी को ला। Ah!
हमने तो कमाल ही कर दिया। पहले प्यार कर लेते करेंगे ना। तुम मैंने अच्छा बना। अरे डैडी, अबे कहाँ से आ टपके? ऊपर से। किसने खबर दे दी? मछलियों ने। क्या फूफी लगती है रिश्ते में? हाँ रिश्तेदारी है उनसे पुरानी। क्या चाहते हो? बच्चे की जान लेना चाहते हो? चाहते क्या हो मुझे बता दो। अच्छा अच्छा रो मत, रहम करता हूँ तुझ पे आज। 1 लाख की जो किस्त है वो एक साथ मत दे, 4 टुकड़ों में दे दे। हाँ, पहले 25,000 देगा ना तू मेरे घर आ सकता है। ओह वेरी गुड। दूसरे 25,000 देगा तो तू इसके साथ खाना खा सकता है। लवली खाना। तीसरे 25,000 देगा तो तू इसको ऐसे छू सकता है खाली। और चौथा 25,000 देगा तो फिर ये तेरी बीवी। थैंक यू डैडी। उसके बाद तू जा जा। मैं सुहागरात बना सकता हूँ मतलब? हाँ मना सकता है। अगर मैं चौथी किस्त पहले दे दूँ तो? और चौथी किस्त को मैंने 1 लाख रुपया कर दिया तो? बस सारी उम्र पैसे मांगते रहा करो, चिकनी मछली की तरह फिसल जाया करो। और मीठा बनू तो लड्डू समझ के खा जाते हो। चल जा रहा हूँ फिर मिलते हैं। बोला ना बाय बाय। अबे कहाँ गया? चलो जान छूटी। नहीं छूटी और छूटेगी भी नहीं। ये भूत है जल्दी पीछे छोड़ने वाला। आ जाओ मजे ले लो, मार लो मुझे। कहाँ जा रहे हो बोटे? हमेशा देखो तो मारते रहते हो। शुक्र और शनि का मिलाप होगा। ऐसा लग रहा है कि आप बेकार बैठे हुए हैं। बैठा हूँ, तेरे बाप का कुछ ले रिया हूँ। अरे भाई साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे आपसे छोटा सा काम था। 1 लाख रुपए लूंगा। नहीं भाई साहब आप गरीब का मजाक मत उड़ाइए। एक काम कर, 25,000 दे दे उससे काम चला लूंगा। साहब मेरे पेट में बहुत गड़बड़ है, आप मेरी बकरी संभाल लो। बकरी संभाल लो? बकवास कर रही है मेरे सामने? जनता में होने वाला राजा हूँ, भेड़ बकरी संभालूंगा तेरी मैं। राजा साहब आपको बकरी तो संभालनी पड़ेगी। मैं आया। बात सुनो बकरी वाले, बात सुन। हद हो गई यार, राजाओं की कदर ही नहीं है, भेड़ बकरी हाथ में दे जाते हैं। ले बेटा तू सुन, शुक्र और शनि का जब मिलाप होता है तो जिंदगी में बदलाव आता है। खाना नहीं है, हैं? शक्तिशाली आदमी बनके। ओ भाई साहब, ओ इस बकरी को क्या पढ़ा सिखा रहे हो? अरे ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है, भविष्य बताती है, बोलती है ये। एक बार बुलवा के दिखाओ। 1 लाख रुपए लूंगा। क्या बात कर रहे हो, बकरी से बुलवाने का 1 लाख? विश्वास नहीं हो रहा ना बेटे, तेरे पूरे खानदान का भविष्य बताएगी। खरीदना खरीदना टूरी हो ले। लेकिन मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपए है। आने दे बेटा आने दे। थोड़ी दूंगा, पहले एक बार बुलवा के दिखाओ। ले अभी ले ले ले। आजा बेटा बकरी आजा। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? अरे वाह वाह वाह, एक बार और भैया, एक बार और। हाँ एक और बार, एक और बार। ले जून से पहले कौन सा महीना? अरे वाह वाह क्या बात है, ये तो कमाल का आइटम है भैया, ये तो कमाल का आइटम है। ये लो आजा बेटा आजा आजा। सुन सुनो भैया, क्या हुआ? जाने से पहले एक बार और, एक बार और। विश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस एक बार। इसमें और तेरे में बकरी कौन? बोल बेटा बोल 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 बोल। अरे बात है, घर वाले खुश हो जाएंगे। आजा बेटा आजा। ओके ओके आजा आजा। थैंक यू थैंक यू। अबे माल आ गया आंटी, कर लो। राजा महाराजा दामाद सिंह माल लेके आ गए हैं, कोई है हमारी नजर उतारने वाला? अबे घर के माथे पे सबसे बड़ा कलंक तो तू है, कलंक की नजर कौन उतारेगा? ये लो ससुर जी। अरे 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 दामाद जी, ये पैर पकड़ कर कैश देने की क्या जरूरत है? अरे पैरों पे नहीं पड़ा, पैर फिसल गया मेरा सीढ़ियों पे। मैं उनको उठाऊं? तो बोला मैं चाहता हूँ अपने पैरों पे खड़ा हो। उठ रहे? अब तक क्या आपके पैरों पे खड़ा था मैं? अबे तू किसी के पैरों पे नहीं खड़ा था, तू पैर होते हुए अपाहिज की तरह पड़ा था। अब भी मौका है, अपने पैर पे खड़ा हो जा। अबे क्या सारी पिक्चर में मारेगा मुझे? बच्चे की जान लेगा? ऐसे बच्चे की तो जान ले ही लेनी चाहिए। ले लेना। हाँ ला ले। हाँ बेटे ले ले ले, मार मुझे मार मुझे, जान ले ले। राजा तुम डैडी के पैरों में क्यों पड़े हो? पैरों पे कहाँ पड़ा हूँ, जान हाथ तो दे दो। हाथ नहीं हाथ नहीं, दूसरी किस्त देनी पड़ जाएगी। तो किसी तो लेने जा रहा हूँ। अबे किस्त नहीं किस्त, इंस्टॉलमेंट। उठा लो उठा लो उसे। और तू क्यों उठा रही है? वहाँ कहाँ रख रहा है? जेब में रखेंगे ना, तिजोरी में रखना है। निकाल बताओ, तिजोरी में रख रहा हूँ, ये जेब में रख रहा है। जान राजा ये आवाज कैसी? विरह के मारे, ससुर के सताए, पति पत्नी का रोमांस चरम सीमा पर है। हर कोई एम्बुलेंस जा रही होगी तो भूल जाना। आवाज कैसी आ रही है? राजा
तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ओए कुछ नहीं, किसी को मैंने बकरी बेच दी थी, वो बकरी बेची और पैसे ले आया हूँ मैं। चलो, ये तुम्हारे पिताजी छत पे क्या कर रहे हैं? राजा उठो, उठ जा। और ये आवाज कैसे बंद हो गई? मैं बताता हूँ, मुझे मालूम था कि तू ऐसी घटी हरकत करेगा, इसलिए मैंने अपनी बेटी की जिस्म में ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। डैडी, डैडी मेरे बदन में करंट है? हाँ, ताकि जब भी ये तुझे हाथ लगाए मुझे आवाज सुना दे दिया करे। करंट निकाल दो वरना हमारे बच्चे ट्यूबलाइट और बल्ब की शेप में पैदा होंगे। बताता हूँ, खड़ो। चलो शालू, मैं चला। चलो ट्रांसमीटर मैं निकाल लूंगा, पहले तू अगली 25,000 की किस्त लेकर आ, तब तक अपना ये मुंह लेकर इधर मत आना। निकल बाहर, चल। जिंदगी भर हाथ लगाने नहीं दूंगा। सारे मजे ऐसे कर रहे हो कि ट्रांसमीटर लगा ले ट्रांसमीटर। काश ये तकिया पत्थर का होता। क्या राजा दूसरी किश्त ला पाएगा? ये शालू के बदन से घंटियां यूं ही बजती रहेगी, और लाएगा तो कहां से लाएगा? देखते हैं धारावाहिक शालू के प्यार के अगले एपिसोड में हम लोग। टिंग बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? श्रीमान साहब जी, मुझे अंधे की रोशनी। उधर ये मेरी फाइल है, जो मदद कर सकते आप कर दीजिए। ओ गॉड, अगर आप देख नहीं सकते तो आपने इतनी डिग्रियां कैसे हासिल कर ली? श्रीमान, आखिरी डिग्री प्राप्त करने के बाद जब ये हंसते गाते हुए जा रहे थे तो अचानक कार ने टक्कर। बस मामा बस, आगे की बात प्लीज मत बोलिए, उस दुर्घटना में मेरी आंखें चले गई। श्रीमान, अब इनके जीवन में कोई रस नहीं रहा है, इसलिए जूस की फैक्ट्री खोलना चाहते। अगर आपसे 1,00,000 रुपए मिल जावे तो मजा आ जावे। प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। कितनी बड़ी दे सकते हैं? फिलहाल 25,000 रुपए से काम चलाइए। 25? जी हजूर, 25,000 दे दीजिए। वो सिंगापुर की पार्टी का पेमेंट आ गया, मलेशिया का नहीं आया, लेकिन हांगकांग का आ गया। की पार्टी की पेमेंट आ गई है। आई वांट माय वाइफ, गो एंड कॉल। ओके। कहाँ जा रहा है? इसकी वाइफ को बुलाने जा रहा हूँ, शालू को बुलाने। खड़ा रहा यहाँ पर, पेमेंट दिया ना उसने। लेकिन मेरे आदमी के, उसका आदमी पे। राजा तुम आ गए? इतनी पेमेंट में तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ इसके हाथ का खाना खा सकते हो बस। लेकिन हाथ लगाने का एक्शन तो कर सकता हूँ ना। अच्छा स्वामी, मेरा छूना तो किस्मत में नहीं, पर अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाकर थोड़ा पुण्य तो कमा लूं। हाँ चले चलो चलो चले। ओए 50,000 दे दिए समझे? चलो चलो जल्दी चलो। क्या लोगे? मैं वो हरी सब्जी लूंगा। अच्छा चलो। हाथ क्यों रोक लिया? तुम्हारे बाप का सायरन जो बच जाएगा। आज नहाते वक्त जब मैंने पानी डाला तो फ्यूज उड़ गया। चलो मेरी जान। चलो बाबू आ गया। ये भयानक भयानक आवाजें कौन निकालना था? उंगली जल गई थी ना मेरी, तो उन्हें दिखा रही थी। तो संभाल के काम किया करना। अच्छा तू काम कर, तू जा, इसको खाना मैं खिला दूँ। खाना मैं खिलाता हूँ ना, तू जा राम बाबू को बुला। मुगल बहन 25,000 रुपए दिए, आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। एक निवाला तो खिला के रहूंगा। अरे नहीं खाऊंगा, 100 रुपए देके वेटर से खा लूंगा समझे। तब खाना खाए, हमेशा मारते रहते यार। बद्री प्रसाद जी हाँ अबे जाओ बुला रहे। बेटे एक दिन तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा, फिर कहियो बच्चे की जान ले रहा है क्या? ओ राम बाबू क्या है, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? क्या बताओ बद्री प्रसाद जी, मुझे एक बेईमान ने 25,000 का चूना लगा दिया। मैंने कसम खाई है, जब तक उसको पकड़ नहीं लेता मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। अरे कौन है वो? अब क्या बताऊं कौन? बद्री प्रसाद जी वो रहा, वो ये जिसने 500 की बकरी 25,000 में बेची थी। अबे बकरी की औलाद ने देख लिया ये हराम खोर। अबे भाग यहां से। इसको नहीं, उसको पकड़ो। उसको पकड़ो? क्यों? क्या हुआ? मुझे नहीं। अरे लानत भेजो। अरे आप कौन? अरे
मुझे पहचाना नहीं? मैंने आपको 25,000 रुपए लोन दिए थे जूस की फैक्ट्री के लिए। अरे बॉस बाबू। लेकिन तुम इतना भाग क्यों रहे हो? वो 25,000 जो आपने दिए थे ना, वो चोर लेके चला गया बॉस बाबू, साथ में चश्मा और लकड़ी लेके भी चला गया। एक बात तो बताओ बॉस बाबू, भगवान ने हम अंधों के नसीबों में इतनी तकलीफें क्यों ली? अरे फिक्र मत करो, शायद उसे तुमसे ज्यादा जरूरत होगी। अच्छा काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे जान पहचान के सेठ जी है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा चलो बैठो, चलो। एक इनके सेठ जी है और एक हमारे ससुर है, बस पैसा 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 मांगते रहते हैं। चलो भाई। अब ये तो ससुर जी के घर ले जा रहे हैं वापस। अबे मर गया मैं। ये जरूर पिटवाएगा मुझे बेटे, जरूर पिटवाएगा। अरे आपने कहा था सेठ जी के घर जाना है, आप ये कहाँ ले आए? अरे भाई यही तो सेठ जी का घर है। मर गया। आओ, आओ। नहीं नहीं मैंने घर देख लिया है, अब मैं बाद में मिल लूंगा। अरे भाई जब तुम यहाँ तक आए हो कम से कम पैसे तो ले लो। आज शुक्रवार है, आज मैं पैसे नहीं लेता, आज मैं पैसे देता हूँ। अरे बोध बाबू कैसे आना हुआ? ये क्यों पहन लिया तुमने? वो मेरे अंधेपन का कोई मजाक ना उड़ाए इसलिए मैंने पहन लिया। कौन है ये? बेचारा अंधा है, सेठ जी से मिलने आया है। हाँ तो कोई बात नहीं, हमारे सेठ जी तो अंधे लूले लंगड़े सबसे मिलते हैं। आ जाओ भाई, भाई ये मेरे हाथ को लकड़ी समझो, पकड़ के आ जाओ। अरे अरे हाथ को, अच्छा वो ना मुंह ही था वरना क्या पकड़ लेते। बहुत अच्छे आदमी है। आपको कैसे पता चला कि आप इस सीढ़ियां? भगवान ने अंधों को पैरों में आंखें दे रखी है। संभल के अब यहाँ से राइट जाना है, उसके बाद लेफ्ट जाना है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ से लेफ्ट जाना है? बस भगवान की आंखें पैरों वाली आंखें। अंधों की आंखें पैरों वाली आंखें। बचाओ बचाओ। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बचा लिया। आइए सूरदास बेचारा। अरे बोस बाबू आप? नमस्ते सेठ जी। ये कौन है? सेठ जी बेचारा अंधा है जी। तो चेहरे को पतीले से क्यों ढाक रखा है? नहीं उसे शर्म आती कि उसे अंधा ना कहे, इसी वजह से ढक के रखा है। सेठ जी जूस की फैक्ट्री डालना चाहता है इसलिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। अच्छा जी। वाह 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 कितना आदर्शवादी इंसान है। अरे एक वो मेरा दामाद है हरामखोर, लानत है उस पर। देखिए जीजाजी सिक्का खरा हो या खोटा आखिर है वो आपका दामाद, आपकी बेटी का पति है, ऐसे हर एक के सामने उसकी बेइज्जती करना अच्छा नहीं लगता। ये अंधा है बहरा नहीं है। देख बे डैडी मामा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो जैसे भी हैं वो मेरे पति हैं और आपको उनकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। अगर वो दोबारा यहाँ नजर आया तो मैं कसाई बुलाकर उसके टुकड़े करवाकर उसका मटन बाजार में 4 आना किलो बिकवा दूंगा। सेठ जी आप दामाद के बारे में ऐसा मत बोलिए प्लीज। देखा आपने छुरी दामाद में चलाई, दर्द इस भले आदमी को हो रहा है। और अगर तू बीच में बोला ना तो तेरा मटन भी उसी दुकान में बिकता हुआ नजर आएगा। ये अंधे भाई साहब को दो। क्या है ये? ये थोड़ा अच्छा अच्छा चने। अंधा है ना दिखता नहीं है। अरे तू राजन तू? अरे दामाद जी। सेठ जी आप इसे पहचानते हैं? भाई बदकिस्मती से ये मेरा दामाद है। यानी कि ये अंधा नहीं है? अंधा नहीं है, आंख वाला अंधा है। अबे तू इतना गिर गया, बकरियां चुरा के बेचने लगा, अल्लाह बन के लोगों से फ्रॉड करने लग गया। तो क्या करूं? 1,00,000 जमा करने को कहा था, डे नाइट मेहनत तो करनी पड़ेगी। अबे हराम खोर मैंने तुझे मेहनत से पैसे जमा करने को कहा था, फ्रॉड करने को नहीं, लोगों को धोखा देने को नहीं। अबे इसको बाहर निकाल रहा यार। ओए कोई हाथ नहीं लगाएगा, एक बार धक्का दे दिया, दो बार धक्का दे दिया, बस बंद हो गया। दामाद हूँ कोई भांड नहीं हूँ जो बार बार धक्का दे दिया। हाँ इधर से निकलूंगा, चले ले जा रहा हूँ। ये तो नहीं ले जाने दूंगा मैं तुझे। अरे बेटी तो देता नहीं, चले तो ले जाते। इस घर का कचरा तक ले जाने नहीं दूंगा मैं तुझे। वो देख बेटी बुला रही है। क्या है? हाँ डैडी वो ऊपर आ जा जानू। अरे चल निकल। बाय राजा। बाय शालू। इस घर का कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता कभी। चल चल रही हूँ डैडी। नमस्ते। अरे आप यहाँ? हम सेठ जी से मिलन वास्ते आए हैं, उन्हें समझाने वास्ते आए कि उनकी बेटी सारे घर की इज्जत है, सारे घर की बहू है। जाइए जाइए। अच्छा जाइए। अरे इन भिखारियों को किसने अंदर आने दिया? कैसी बातें कर रहे हैं आप राजी? ओ राजमाता आप, माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं। और सपुत्री जी आपके साथ आई हैं? और वो कहाँ है आपके हाथी घोड़े आपके चौकीदार?
और आपने राजमाता की पोशाक नहीं पहनी आज? कैसी बातें कर रहे हैं ब्राजी? आपके बेटे की जबान बोल रहा हूँ, वो अपने आप को राजा कहता है, दिन में 100 बार कहता वन डे आई बी किंग। सुना आजकल उस किंग ने नया धंधा शुरू किया हुआ है, धोखाधड़ी का, अंधा भिखारी बनकर राज चलते लोगों को ठगता रहता है। राजी, एक गरीब विधवा का अपमान करना तो चंगा लगता है। अपमान? अरे अपमान तो उनका होता है जिनका कोई मान होता है, और जिस घर में आपके बेटे की तरह बेशरम लड़का रहता हो उस घर का क्या अपमान? देखो प्राजी, आप मेरे को 1,00,000 गालियां दो, मेरे पुत्र को कुछ ना कहो। अरे तुम्हारा पुत्र ही तो गालियों के लायक है, वही कम्बख्त लायक है गालियों के, और उसकी जवान बहन घर में बैठी है, उसके हाथ पीले करने के बजाय खिलंडरापन करता फिरता है। अरे जिन भाइयों की जवान बहनें घर में बैठी होती है उनके सीने में फांस चुभती है, खंजर चुभता है सीने में, उस बेगैरत को क्या शर्म है? अरे आप तो उसकी माँ है ना, आपने कभी उसके एहसास को जगाने के लिए उसको जमीन को जिंदा करने की कोशिश नहीं की? कभी 2 थप्पड़ मारकर उसको सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश नहीं की? कसम से अगर ऐसा मेरा बेटा होता ना तो मैं उसे गोली मार देता या खुद आत्महत्या करके मर जाता। जाइए, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म है, खुददारी है, तो उसको सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश कीजिए या फिर घर का कर्ज जहर पी के मर जाइए, यही एक रास्ता है। इस धारावाहिक में ऐसा भी एक एपिसोड आएगा ये नहीं सोचा था, बद्री प्रसाद इस तरह पेश आएगा ये भी नहीं सोचा था, क्या राजा ये सब कुछ सह पाएगा? देखते हैं धारावाहिक शालू का प्यार अगले एपिसोड में। हम लोग कहाँ है वो बुड्ढा? अरे निकल, जिसने मेरी माँ की बेइज्जती की है। अरे अपनी माँ का दूध पिया तो बाहर निकल बे ओ बुड्ढे। हाँ आजा, तूने मेरी माँ की बेइज्जती की ना, चल अपनी माँ को बाहर निकल, उसकी बेइज्जती मैं करूंगा, चल चल अपनी माँ को बाहर निकल चल। इस जन्म में तो तेरे ये अरमान पूरे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरी माँ को मरे 20 साल हो चुके, और अगर तूने मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे यही जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, याद रखना। आग लगी ना, लगी ना आग। 20 साल पहले मरी हुई माँ को मैंने जरा सा कुछ कह दिया तो मिर्ची लगी ना आपको? अरे मेरी माँ तो जिंदा है, उसकी आपने बेइज्जती की, मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी कभी सोचा आपने? कभी सोचा है? अब आप बताइए कौन सी जमीन में गाड़ू मैं आपको? राजा तुम ए, तू चुप बैठा, कुछ बोलना मत, फिल्मी औरत कुछ बोलना मत। अपने बाप के रंग में तू रंग गई है, कुछ बोलना मत बीच में, तेरे मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैं वकील से बात करके आया हूँ, उसने मुझे बताया कि अगर पति पत्नी की घर गृहस्थी में 6 महीने तक कोई रिश्ता ना हो तो तलाक मिल सकता है। तलाक? हाँ मुझे तलाक चाहिए राजा। हाँ बस मुझे तलाक चाहिए, बात खत्म। अरे मगर राजा मेरी बात तो सुनो। जो भी कहना है सुनना है, कोर्ट में सुनेंगे। ओके ससुर जी मैं चलता हूँ। राजा तुम क्या बातें कर रहे हो? चल चल हाथ मत लगा, रुक जाओ। चल मगर चलना, ऐसे बातें क्यों कर रहा है? काफी हो गया, रोकिए ना इसे। चल ना पुत्र ना। अरे बाप की गलती की सजा बेटी को थोड़ी देते हैं। और माँ उसका बाप सुधरने वाला नहीं है, जब उसकी बेटी को तकलीफ होगी ना तब उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। ना पुत्र ना। माँ यहाँ क्या करने आई हो? तुम चाहते थे ना मैं तुम्हारी हो जाऊँ, मैं आ गई। तुम्हारे बाप को मैं बहुत अच्छी जानता हूँ, तलाक की धमकी दी तो मोहल्ला हिल गया उसका। जाके कह दियो अपने बाप से, जब तक मेरी माँ मेरी बहन से माफी नहीं मांगेगा उसकी लड़की को घर नहीं लूंगा अपने। अरे ना, 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 ना। रोते नहीं रोते नहीं, हाँ मेरा राजा मान जाएगा। रो भाभी उदास मत हो, भैया के गुस्से का इलाज है मेरे पास। क्या? समोसे। समोसे? हाँ समोसे। समोसे। चप्पा चप्पा चरखा चले। गुस्सा बाद में करना, पहले गरम गरम समोसे खा लो। क्या मिला है इसमें? आलू है। आलू के समोसे मेरी माँ ने बनाए? हाँ माँ ने ही बनाए होंगे। अच्छा आलू आलू आलू।
देख बुड्ढा आ गया, माफी मांगने आओगा? कैसी बात है? हटना तो जरा, मैं देखूं से। अरे सुन बुड्ढा। अरे तुलसी भाई, केशु भाई, सादित चाचा, याओ याओ याओ। अरे याओ क्या हुआ राजा? हाँ हाँ भाई, कैसे आना हुआ? अरे पैदल थोड़ी है, गाड़ी में है। क्यों जीजा जी? अंदर चल के बात करें। जो भी बात करनी है सबके सामने करो, खुले खाले। अच्छा, तेरी ये मर्जी है तो यही सही, ले दे दे। ये लो। क्या ये माफीनामा? पढ़ना नहीं आता। अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सृष्टि के दिन पूर्णिमा को बुधवार को शेठ बद्री प्रसाद की शादी होने वाली है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। आपकी तो हो गई है, रुकावट के लिए खेद है। शेठ बद्री प्रसाद की बेटी शालू की शादी है। जनता से निवेदन है कि शादी में पधारे और शालू को आशीर्वाद दे। मेरी बहू का ब्याह? आपकी बहू थी, अब नहीं है। राजी, ये दो परिवारों की इज्जत का सवाल है। हमारे जीजाजी की तो इज्जत ही नहीं है, परवाह न करें। राजी राजी, मेरी गल सुनो, इतना बड़ा कदम ना उठाओ जी। कदम उठ चुका है बहन जी। मगर रुक भी सकता है, अगर शादी के मुहूर्त के एक मिनट पहले दामाद जी 1,00,000 रुपया लाकर मेरे जीजाजी को दे दे तो मेरी भांजी आपकी बहू बन सकती है। क्यों जीजाजी? ठीक है, अगर 1,00,000 रुपया नहीं आया तो मेरी बेटी किसी और घर की बहू बनकर चली जाएगी, याद रखना। चलो चलो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या बच्चे की जान लेगा, शादी हो चुकी है मेरी। कौन सा बच्चा? बालक कहीं का। राजी गल तो सुनो। मार दूंगा साले को। राजा हिया, तनु मेरी सौगंध, 1,00,000 रुपया उस बुड्ढे के मुंह पे मार गया और मेरी बहू को घर ले गया। तू फिक्र मत कर, 1,00,000 की 1,00,000 भी मार के आऊंगा साले नु मैं। माँ जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो क्या है ना, राहु कालम में सेठ जी ने यहाँ प्रवेश किया था तो शुद्ध वाणी उनके मुँह से कैसे निकल सकती है। 2 घंटे बाद जब राहु कालम चला जाएगा ना, तब देखना इसी कार में वो बहू को घर में लेकर आएंगे। चुप कर, राहु कालम बोल के बुद्धि भ्रष्ट कर दिए मेरे भैया की। तू चुप रह, ते जानती नहीं मैं कितना प्यार करना है नू। अरे भांजे गुरु दक्षिणा। बाबा ये किसी विस्सी मत क्या करो यार, बार बार ये गिली गिली किसिया करते रहते हो। अच्छा चल। मामा ये चेक आप राजा तक पहुंचा दीजिए, उससे कहिए कि बैंक से 1,00,000 निकाल ले और डैडी को दे दे। चलो लो चेक। डैडी क्या आपकी जायदाद पर मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं 1,00,000 ले सकूं? सिर्फ 1,00,000? बेटी ये बंगला, ये दौलत, ये जायदाद सब तेरा है। तू चाहे तो अभी इसमें आग लगा दे, मैं तुझसे एक शब्द नहीं कहूंगा। लेकिन उस निकम और नकारा की अगर तूने मेरी जायदाद में से 1 पैसे की मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख, तूने जो जिद की मैंने मान ली, तूने उससे शादी करनी चाहिए मैंने वो भी करा दी। अरे मगर जो लड़का तुझे पानी के लिए 1,00,000 रुपया नहीं कमा सकता है, वो तुझे खुशियां कहां से लाके देगा? ठीक है, अगर इसके बावजूद मेरी मर्जी के खिलाफ तू उसकी मदद करना चाहती है तो चेकबुक तेरे हाथ में है, जो चीज चाहे उसे दे दे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मामा। बाप। क्या? नहीं आज नहीं। राजा की आएगी बारात। ये 1,00,000 रुपए लो, इसे ले जाओ और भाभी को घर ले आओ। कहां से लाइए पैसे? तुम्हें इससे मतलब? एक कान के नीचे दूंगा, पता कहां से लाइए पैसे। भैया अगर औरत पैसा कमाने पे आ जाए ना तो उसे ज्यादा देर नहीं लगती। बकवास कर रही है मेरे सामने? नी खसमनु खानी है, तेरा ब्याह नहीं हुआ इसका मतलब ये हुआ कि तू कहीं भी मुंह काला करके पैसे कमा के लाए? ऐसा क्या गलत कर दिया है मैंने? हाँ? यही जानना चाहते हो ना कि मैं पैसा कहां से लाई? हाँ कहां से लाई, कहां से लाई ये पैसे? हाँ बोल। सुनिए, तेरे अंदर आइए। आए विकी। और तू इस हरामजादे से शादी करेगी? इन्होंने मुझसे कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना? शी इज राइट। जब उसने मुझे बताया कि तुम में पैसा कमाने की ताकत ही नहीं है, अपनी बहन की कमाई पर खाते हो पीते हो जिंदा, और तो और अपनी बीवी को लाने के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे तरस आ गया। और फिर 1,00,000 रुपए में किरण बुरी तो नहीं है? निकल जाए यहाँ से, फिर से यहाँ आना मत। बहन,
आज तुम्हें एक सोए हुए भाई की आत्मा को झिंझोड़ा। मैं जानता हूं यह सब नाटक तूने क्यों किया था। तू फिक्र मत कर, मैं तेरी शादी कराऊंगा। मां तो देखना, मैं इसकी शादी कराऊंगा। लाख रुपए तो क्या, करोड़ों रुपए कमाऊंगा। मैं इसकी शादी कराऊंगा, मैं इसकी शादी कराऊंगा। तू फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर। आपको और नौकरी? आप तो सेठ बद्री प्रसाद के दामाद हैं। श्रीमान, ये उनके दामाद हैं, तभी तो नौकरी की आवश्यकता पड़ रही है, अन्यथा तो घर बैठे आराम से खा रहे थे। देखिए सर, आप मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मजाक मत कीजिए, आप ही मुझे कोई काम दे दीजिए। भांजे श्री, ये तो बुड्ढे को अच्छी तरह जानता है, यहाँ काम नहीं बनने वाला। अच्छा जी, हाथ नीचे कर लीजिए। आ भांजे। नमस्ते। देखिए जी, ये मेरी डिग्रियां हैं, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था। और आई एम सॉरी, और सर मेरी बात सुनिए, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर, प्लीज। अरे राजा। सर आप? बेटा माफ करना, मैं जरा जल्दी में आज बात नहीं कर सकता, क्योंकि घर में बेटी की हल्दी मेहंदी है, गाना बजाना भी है, काफी मेहमान आने वाले हैं, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आपको काम की क्या जरूरत है? आप तो कहते थे कि आफ्टर वन ईयर आई विल बी ए किंग। जी, किंग विंग को छोड़िए, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अगर कभी फिर बंद हो गई तो आप तो राजा बनने के बाद हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। आपको काम देने की गुस्ताखी भला हम कैसे कर सकते हैं? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अरे नौकरी के लिए आए थे? मिली नौकरी? अच्छा याद दिला दूं, कल शालू की शादी है, लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो आके शालू को ले जाना, और अगर ना हो तो फिर बारातियों के बीच बैठकर खाना खाने के लिए आ जाना। आइए राजा साहब। 1 लाख रुपए मिल गए, कमाल है राजा साहब, 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ। एनीवे मुबारक हो, कल आपकी बीवी की शादी है। बोल गया पिछले बार की मार, चल बे। डोंट मेस विद मी। बहुत ताकत है, लड़ने का बहुत शौक है। तो मेरा दोस्त सुमो रेसलर अमेरिका से आया, उसे लड़ना। 1 लाख नहीं, 5 लाख मिलेंगे, 5 लाख। Come on, fight him, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। ये बच्चा लड़ेगा क्या? लड़ेगा क्यों नहीं, शालू से बहुत प्यार करता है, उसके लिए किसी से भी लड़ जाएगा। हमारा दोस्त सुमो रेसलर अब तक 3 को मार चुका है, अब इसकी। भांजेश्री, शक्ल सूरत से ये मेरा छोटा भाई लगता है ना, अंतर सिर्फ इतना है कि मैं थोड़ा मोटा हूँ। मामा जी आपको मजाक सूझ रही है, वो ससुरा मेरी शालू की शादी करा रही है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए वो शादी रुकवाने के लिए। भांजे श्री, पैसों का प्रबंध तो अब ये प्राणी ही कर सकता है। वो कैसे? इसलिए कि इससे जीतने वाले को 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा। तू ऐसा कर, इससे जाके लड़, तब तक मैं शादी में देरी करवाता हूँ। वो कैसे? कान दे तो बताऊं। ये लो। ना गुरु दक्षिणा, ये किसी से मत किया करो यार, बार बार ये किसी करते रहते हो। या लड़, लड़ जाके लड़। हाँ लड़ लूंगा सबसे, मेरे से भी लड़, उससे भी लड़। अभी आपने देखा, मेरे दोस्त काले पहलवान ने 2 आदमियों को मारा, लेकिन है कोई माई का लाल जो मेरे दोस्त कालू पहलवान से लड़ सके? कमान, जीतने वाले को
5 लाख रुपया मिलेगा, 5 लाख। जो कोई भी अपनी बिल लिख कर आया हो आ जाए कालू पहलवान से लड़ने के लिए। मैं लड़ूंगा इस काले महाराज से, मैं लड़ूंगा। आ जाओ, आ जाओ मरने। आ रहा हूँ बोटे, आ रहा हूँ। Come on, baby. आ रहा हूँ। कपड़े क्यों उतार? अच्छा मरने से पहले कपड़े उतार। आजा, आजा, आजा। जय बजरंग बली। अबे काले भाई, जान हथेली पे लेके आओ। 5 लाख में से 4 लाख तू ले लियो, 1 लाख मुझे दे दियो, मिल बांट के खाएंगे। समझ गया ना तू? ये वो किले। अबे तू तो मारने पे उतर आया, अबे क्या बच्चे की जान लेगा? देख मेरे भाई, मैं पैसे के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, अपनी बीवी को बचाना चाहता हूँ, बस 1 लाख रुपए कमाने हैं। अरे तू तो जिम में बहुत एक्सरसाइज करता, लड़ना। अबे कहाँ से लाया सांड को? 1 लाख रुपए के बारे में सोच, तेरी बीवी की शादी हो जाएगी, बीवी की शादी हो जाएगी। कमान कालू, आ जा, कमान अटैक कालू। अबे छोड़, कालू, कमान, क्विक। अबे मारने का मोटा छोड़। कमान कालू, या। ये ले बेटा, ये ले। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। हे हे मोटे, पिछवाड़े को काटता हूं। अबे क्या सांड वाली चमड़ी है साले की। अबे गेंडे बोला था होम मैस विल। अबे फंस गया मैं। हवा मत छोड़ दियो। नो बड़ी मैसेज विद मी। अबे गंदी बदबू आ रही है, कैसे एक तबेले से निकला ये? अबे गेंडे क्या 3 घंटे से आधी चड्डी पहन के सिप्लीस कर रहा है? Come on, hit him, hit him. भाई और बहनों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 1 लाख रुपए चाहिए, बस 1 लाख रुपए चाहिए, एक हाथ से ही चाहिए। मार दिया, मार दिया। कोशिश करना यार, हट जा साले, तेरा टेटवा दबा देता हूं। ये बच्चा यार इतनी एक्सरसाइज करता है, एक आदमी से नहीं लड़ सकता। वो 1 लाख रुपए जो तेरे ससुर को देना, उसका क्या होगा?
तेरी बीवी की शादी के फेरे तो होने वाले होंगे, अब क्या होगा? बॉस, तेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। बोल। इसकी बीवी से शादी कर लो। क्यों कर लूं? आइडिया बुरा नहीं है। 1,00,000 रुपए में इसकी बीवी बुरी नहीं है। शादी तो आगरा दोनों। हे, कम हियर। मेरी बात सुनिए, मुझे 5,00,000 रुपए शर्त के नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1,00,000 रुपए चाहिए। मुझे अपनी बीवी को लेने जाना है, अपनी बीवी को लेने जाना, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। बाकी के 4,00,000 इस मोटे को दे देना, इसकी मरम्मत करवा देना। अबे मोटे, अबे वो नंगे 4,00,000 छोड़ के जा रही हूँ, कोई ढंग के कपड़े सिलवा लियो, कच्छा पहन के ना घुमा कर। चालू मैं 1,00,000 रुपए ले आया। चालू मैं 1,00,000 रुपए ले आया, 1,00,000 रुपए ले आया। चालू भांजे, आने में बहुत विलंब कर दिया, I mean to say बहुत देरी कर दी। मामा, देरी नहीं हुई, बहुत देरी हो गई मामा। ससुर जी, ये गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है। इतनी अच्छी लड़की थी भगवान ने, मगर कोई कदर ही नहीं मुझे। मेहनत मजदूरी की जगह में बस राजा बनने के सपने देखता रहा। मेरा कुछ नहीं हो सकता मामा। मैं खुश हूँ कि आज तूने जिंदगी को दिल की निगाह से देखा, उसकी कीमत को पहचाना है। मगर अब क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी है। कोई देरी नहीं। सुन, तेरी शालू वहां है। शालू, तू ये कौन है? खुद ही देख ले। बहनाओ बहना तेरी। हाँ पुत्र, ये रिश्ता तेरे ससुर जी ने ही तय किया है, और इस ब्याह का सारा खर्चा इन्होंने ही किया है। और क्या, तू समझता था कि मैं अपनी बेटी का दोबारा ब्याह कराऊंगा? ये सारा नाटक तेरी आंखें खोलने के लिए था, ताकि तू जिंदगी की कीमत समझ सके, सपनों की दुनिया से बाहर आए, और ऐसे फ्रॉड मक्कार जोशियों की बातों में ना आए। बट श्रीमान, मेरी भविष्यवाणी तो बिल्कुल सच होती जा रही है। राजा लखपति तो बन ही गया है, आपका दामाद बनने के बाद करोड़पति भी बन जाएगा। I mean to say राजा से महाराजा बन जाएगा। एक बात बताइए जी, आप इस महफिल से खाना खा के जाएंगे या जूते खा के जाएंगे? ससुर जी, वो आपके 1,00,000 रुपए वो मैं ये ले बेटी, तेरे भाई की तरफ से तेरे जो तोहफा। किसी से मत किया करो यार। नहीं, मैं आज करूंगा। अरे नहीं, मुझे नहीं, दो बार करूंगा। मामा, मुझे आपके स्वागत नहीं बनानी, मुझे शालू के साथ बनानी है यार। समझा करो बात को। सॉरी। शालू। अरे? शालू। हट जाओ। और भाई ये मैंने, हट जाओ, शालू मिल गई। हट जाओ, मुझे स्वागत बनानी है, हट जाओ। देखा ये खेल मिस्टर खिलाड़ी का? राजा को बद्री प्रसाद ने दामाद स्वीकार कर भी लिया, और राजा ने सुहागरात भी मना ली। अब राजा को बेटा होगा या बेटी, वो देखेंगे वो लोग, हम लोग नहीं। आप लोग अभी तक गए नहीं? अरे जाओ भाई, कुर्सी से उठो, दूसरे शो वाले को अंदर आने दो। जाओ जाओ।